अस्सलाम वालेकुम। आज शनिचरवार है, 13 मई साल 2023 ईस्वी मुताबिक 22 शबानुल मुकर्रम सन 1444 हिजरी। पेश है मकामी अखबारों से लीक हुई आज की सुर्खियां। आगाज में नजर आते हैं इन सुर्खियों पर। लोग इंतजामिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें, एलजी पायदार शहरी तरक्की का उसूल तरजीह। स्मार्ट सिटी के 3 और 25 शहरी बल्दियाती प्रोजेक्ट आवाम के नाम वक्फ। श्रीनगर भी अब दिल्ली मुंबई और चंडीगढ़ की तरह नज़र आएगा, मनोज सिन्हा। G20 टूरिज्म वर्किंग इजलास, मुकम्मल सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। बैन अलावी तकरीब के पुरान इनाकाद को यकीनी बनाया जाएगा, विजय कुमार। G20 जम्मू व कश्मीर को आलमी सियाहती मकाम के तौर पर फ़रोग देने का मौका। मुंदबैन दुनिया भर में हमारी सियाहत के सफ़ीर बनेंगे, सेक्रेटरी सियाहत ने किया श्रीनगर में G20 से पहले की तकरीबा का आगाज़। नर्सों का आलमी दिन, 10 साल से मुस्तकिल बुनियादों पर कोई तकरीरी नहीं हुई। जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में 3000 नर्सें दरकार, मंजूर शुदा असामिया 1350, 900 खाली। मौसम से मुतलिक इस सुर्खी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। वादी में हल्की बारिशों के एक और मरहले की पेशगोई, 19 मई तक मौसम मजमू तौर पर अबर आलूद रहेगा, भारी बारिशों का इम्कान नहीं। इमसाल 62 दिनों की अमरनाथ यात्रा, हुक्काम नीलम की कानकनी के लिए प्रोजेक्ट तैयार, हुक्काम पाड़ा किश्तवाड़ में 2700 करोड़ रुपए का जखीरा मौजूद। श्रीनगर पुलिस की मनशात मुखालिफ मुहिम, 2020 से 2022 तक 565 मनशात फरोश गिरफ्तार, 2022 में 169 मुकदमा दर्ज, भारी मकदार में नशीली अशिया और अद्वियात जब्त। GDC कुटवा के बॉयज़ हॉस्टल से तालिब इल्म की लाश बरामद। रियासी और रजौरी में सड़क हादसात, एक शख्स की मौत, 12 तालिबे इल्म जख्मी। आगरा में हादसा, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाला एयरफोर्स कमांडर फोत। आगे बढ़कर नजर डालते हैं अखबारात में शाया चंदीगर सुर्खियों पर। 62 रोजा सालाना अमरनाथ यात्रा 2023 के लिए इंतजाम पूरे करने की शुरुआत। मोबाइल बैतुलखला की तनसीब, पानी का इंतजाम होगा, 1370 सफाई कारकुन और सुपरवाइजर की तैनाती यकीनी। पुलिस एहलकारों की फलाही रिलीफ के लिए 2.38 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई। पंचायती व म्यूनसिपल इंतखाबात रवां साल के आखिर में, मुतवक्का इंतखाबी फुर्सतों पर खसूसी नजरसानी, चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर की इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन अफसरान के साथ मीटिंग है। CBSE 10वीं और 12वीं बोर्ड इम्तहान के नतज का ऐलान, 87.33% तलबा कामयाब, इस बार मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगा। बजट में महकमा तालीम के लिए सबसे ज़्यादा 11,832 करोड़ मुख्तस, सरकारी स्कूलों में 500 किंडर गार्डन्स कायम होंगे। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने मेला माता खीर भवानी के इंतजाम का जायज़ा लिया। गांधरबल और दीगर मकाम पर अकीदतमंदों को तमाम ज़रूरी सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए अफसरान को हिदायत दी। मरीजों की तवक्कात पर पूरी उतरें, डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा की तिब्बी और नीम तिब्बी अमले को हिदायत। हाजीवीरा में तरबियाती प्रोग्राम का इनेकाद, खवातीन को मुख्तलिफ स्कीमों की जानकारी दी गई। बेरोजगार नौजवानों के लिए कैरियर काउंसलिंग, मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में बेदारी पैदा करें। शुमाली कश्मीर में मंशियात ले जाने वाले 6 गिरफ्तार, द्रगमुल्ला में रीच के हमले में बकरवाल जख्मी। नाजायज कानकनी, अवंतीपुरा में 4 गिरफ्तार, 4 गाड़ियाँ जब्त। 29 मनसूबों का मकसद ज़रई शोबे की दुगना पैदावार, जामिया ज़रई तरक्याती प्रोग्रामों की मनसूबाबंदी की जाए, अतल डलू। अब आखिर पर यह सुर्खी समाज फरमाइए कि श्रीनगर लेशारा पर एक तरफा ट्रैफिक की इजाज़त। ये थी मकामी अखबारों से ली हुई आज की सुर्खियाँ। मजीद खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।